how to make best performing ad for your small and medium business. I am going to explain you. छोटे business आज के date में बहुत ज़्यादा competition का शिकार हो रहा है. Due to you know the like big brands can make better ads. उनके पास ad agencies हैं. They are paying a lot of money to them. तो उन लोग बहुत अच्छा ads बना लेते. पर जो छोटे business है, उनको ads बनाना नहीं आता. They don't know how to make ads, a proper ads which is stand out. तो इसीलिए मैं आज small and medium business को help करने वाला हूँ. ऐसे 5 points बताने वाला हूँ आपको, जो कि आपको मदद हो सके आपके ads बनाने के लिए. जब भी आप ad बना रहे हो, digital media platform के लिए हो, TV medias के लिए हो, जब भी आप ads बना रहे हो, आपको 5 factors को याद रखना है. पहला है, you have to choose what the target audience, for what the target audience you are making the ad. कौन ऐसा target audience है जिसके लिए आप ये ads बना रहे हो? कौन सा segment के लिए? कौन सा demography के लिए? कौन सा psychography के लिए? कौन सा geography segment के लिए? कौन सा behavioral segment के लिए आप इस ads को बना रहे हो? पहले उस audience को आप properly define करो. दूसरा है, why you are making the ads. अब इस ad को क्यों बना रहे हो? What is the goal of your ad? आप इस ad को बना रहे हो अपना brand awareness करने के लिए? आप इस ad को बना रहे हो कस्टमर आपका प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदे? आप इस एड को बना रहे हो आप अपना प्रोडक्ट और सर्विस को डेमोंस्ट्रेशन कर रहे हो? आप इस किस पर्पस के लिए एड को बना रहे हो उसको आप पहले डिफाइन करो अच्छे से, उसको पहले जानो. उसके बाद है मेकिंग वीडियो एड्स. आज के डेट पे ना तो एक मार्केटिंग सर्वे से पता चला है कि सबसे ज्यादा जो एंगेजमेंट क्रिएट होता है सोशल मीडिया हो गया, जो भी मीडिया हो गया, मतलब जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या फिर टीवी हो, जहां पे भी हो, सबसे ज्यादा ना जो एंगेजमेंट क्रिएट होता है वो फोटोज पे नहीं होते, ग्राफिक्स पे नहीं होते, वो वीडियो एड्स पे होते हैं. वीडियो एड्स पे सबसे ज्यादा एंगेजमेंट क्रिएट होता है. तो आप भी वीडियो एड्स बनाना स्टार्ट करो, छोटे छोटे एनिमेशंस डालो, क्योंकि एनिमेशंस पे और ज्यादा एंगेजमेंट क्रिएट होते हैं. छोटे छोटे हल्का एनिमेशन डालो उस वीडियोस में और टेक्स्ट को कम करो, मिनिमाइज द टेक्स्ट. अब लिखावट को कम करो क्योंकि वहां पे लोगों का नजर ज्यादा जाता है, तो वहां लिखावट को कम करो. उसके बाद है, आप जब भी एड बना रहे हो प्लेस ए स्टोरी और गिव ए हिडन मैसेज जो कि वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करे, जो कि हाइप क्रिएट करे. क्योंकि आप जब भी एड डाल रहे हो उसमें अगर कोई इमोशनल टच पॉइंट हो, जैसे कि सैमसंग अपना एड्स बनाता है, तो आप कोई भी स्टोरी डाल दो उसमें, आप कोई भी हिडन मैसेज डाल दो जो वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करे. जैसे कि अक्षय कुमार के एड आप देखते होंगे, जैसे कि सैनिटरी पैड का एड हो गया, जो ट्रैफिक के नियम को मानने के लिए जो एड्स हो गए, तो वहां पे एक हिडन मैसेज देता है. आप भी उसी टाइप का एड्स बनाओ. उसके साथ साथ आप क्या करो, आप जो एड्स में ना आपका सीटीओ को अच्छे से डिफाइन करो. सीटीए सबसे इंपॉर्टेंट है. सीटीओ होता है कॉल टू एक्शन. आप क्या कॉल टू एक्शन डालो? कॉल टू एक्शन का ये मतलब है कि आप बुक नाउ, अप्लाई नाउ, क्या कॉल टू एक्शन है? आप क्या चाहते हो बायर ये एड देख के क्या करे, क्या एक्शन ले? उस कॉल टू एक्शन को अच्छे से डिफाइन करो, अच्छे से उसको लिखो. अगर आपको एड्स बनाना नहीं आता, अगर आपको मदद चाहिए एड्स बनाने में, तो हमारा सेलोपेडिया टीम, हमारे डेडिकेटेड टीम पूरा आपके लिए तैयार है. हम लोग एड्स बनाते हैं, हम आपके लिए ग्राफिकल यू नो एनिमेटेड वीडियो एड्स बनाते हैं ताकि आप अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन कर सके. अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है, नीचे हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट कर लीजिए. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. नमस्कार.